गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है शटरलेस लूम इंट्रोडक्शन। ये है टेक्सटाइल डिज़ाइन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है शटरलेस लूम। कुछ शटरलेस लूम के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद शटर लूम, जो शटर लूम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो शटर लूम्स का यूज़ होता था जिसके थ्रू हम वेफ्ट को पास कराते थे। फिर धीरे 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 जब लेटेस्ट लूम जब आए तो उसमें हम लोग शटरलेस बिना शटल का ही यूज़ करते थे, मीन शटरलेस लूम बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो जो पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी शटल लूम्स में क्या क्या होती थी जिसकी वजह से ये कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने पड़े। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। स्मॉल वेफ्ट पैकेज रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट रिप्लेनिशमेंट, मीन्स वेफ्ट पैकेज जो होते थे शटर लूम में वो छोटे छोटे होते थे जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी हमें वेफ्ट को रिप्लेनिश करने के लिए, मीन्स थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर हैवी कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते थे उसके वो ज़्यादा हैवी होते थे, हैवी कंजम्पशंस होते थे उसके। ठीक है, और उसकी स्पीड की कुछ प्रॉब्लम होती थी, फैब्रिक की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। ठीक है, हाई नॉइज़ लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ उसकी होती थी। ठीक है, और फिर कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म्स फॉर मल्टी कलर लूम्स, मीन्स जब कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म होते हैं जब हम मल्टी कलर्स के थ्रेड्स में यूज़ करते थे लूम्स में तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते थे फैब्रिक को बनाने में। ठीक है, और फिर क्या होता था, रिक्वायरमेंट ऑफ वेफ्ट वाइंडिंग, वेफ्ट वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट उसमें ज़्यादा होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी शटल लूम्स में। ठीक है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद फिर आया शटल लेस लूम, बिना शटल के वेफ्ट उसमें पास होता था। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल लूम। तो अनकन्वेंशनल लूम क्या होते, तीन पार्ट होते हैं, मैकेनिकल वेफ्ट इंसर्शन, फ्लूड जेट इंसर्शन और मल्टी फेज लूम होते थे। तो मैकेनिकल वेफ्ट इंसर्शन में किसके थ्रू करते थे वेफ्ट पास कराते थे, ग्रिपर या फिर रेपियर के थ्रू, इस प्रोजेक्टाइल यूज़ करते थे या फिर रेपियर का यूज़ करते थे, शटल का यूज़ नहीं होता था। जो मैकेनिकल वेफ्ट इंसर्शन होता था जिससे वेफ्ट पास होता था, फिर उसके बाद थोड़ा और मॉडिफाई किया गया उसको, तो फ्लूट जेट इंसर्शन, मतलब फ्लूट के थ्रू ही वेफ्ट का इंसर्शन होता था। वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, एयर जेट होता था और वाटर जेट होता था, मीन्स एयर के थ्रू वेफ्ट का इंसर्शन होता था और वाटर के थ्रू होता था। ठीक है, वाटर जेट में वाटर के थ्रू होता था और एयर जेट में एयर जेट के थ्रू होता था। ओके, मल्टी फेज लूम्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। फिर है कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल शटरलेस लूम्स, कुछ फीचर्स होते थे शटरलेस लूम के वो क्या क्या हैं, देखिए कुछ फीचर्स होते थे उसमें कौन कौन से फीचर्स थे। लार्ज वेफ्ट सप्लाई पैकेज, जो वेफ्ट सप्लाई पैकेज होता था वो बड़ा होता था। ठीक है, तो जो धागे उसमें यूज़ होते थे वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते थे। फिर उसमें जो सेल्विज का फॉर्मेशन होता था वो कैसा होता था, अनकन्वेंशनल सेल्विज फॉर्मेशन होता था, मतलब जो सेल्विज होता था वो अनकन्वेंशनल सेल्विज का फॉर्मेशन होता था फैब्रिक में। और वेफ्ट अक्यूमुलेटर का यूज़ होता था जो वेफ्ट को अक्यूमुलेट करता था। ठीक है, और वेफ्ट कटर, जब वेफ्ट पास होता है तो कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड्स भी लेके चला जाता है, तो वेफ्ट कटर यूज़ होता है जो वेफ्ट को कट कर देता है। ठीक है, फिर लार्ज वेफ्ट सप्लाई पैकेज का यूज़ होता है, देखिए उसमें कैसे होते थे, जो वेफ्ट सप्लाई पैकेज होते हैं जिसमें वेफ्ट जिसके थ्रू वेफ्ट जाता है तो वो क्या क्या होते थे, चीज़ या कोन्स का यूज़ होता है। फिर माउंटेड आउटसाइड द लूम फ्रेम, मीन्स वो क्या होते थे, लूम फ्रेम के आउटसाइड में उसको माउंट किया जाता था। ठीक है, जिसके थ्रू वेफ्ट पास होता था, उसमें क्या 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 यूज़ होता था, चीज़ या कोन्स का यूज़ होता था। या जैसे हम वेफ्ट को लेके जाना है तो रेपियर हमने पढ़ाया था, रेपियर में जाते थे थ्रेड, तो कैसे जाता था, वो चीज़ और कोन्स के थ्रू ही वो रेपियर लेके जाता था। ठीक है, और फिर मैगजीन टाइप पैकेजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं उसमें। फिर पर्न वाइंडिंग जो थी वो क्या हो गई, पर्न वाइंडिंग इज़ एलिमिनेटेड, जो हमें शटल में पर्न बनाना पड़ता था अब वो प्रोसेस क्या हो गई, हमारी एलिमिनेट हो गई, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब मॉडर्न लूम बना, शटल लेस लूम बना उसमें, क्योंकि शटल वाले में तो हमें शटल में पर्न को डालना पड़ता था, पर्न की वाइंडिंग करनी पड़ती थी, फिर पर्न लगाना पड़ता था, जैसे भी डिफरेंट कलर्स हमें चाहिए होते थे डिफरेंट कलर्स के पर्न्स का यूज़ किया जाता था, तो इसमें वो प्रोसेस ही
तो इसमें इस प्रोसेस को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है नेग्लिजिबल अनवाइंडिंग टेंशन, मीन्स जो टेंशन होते थे वाइंडिंग के टाइम पे वो इसमें हटा दिए गए, ठीक है, वो अब है ही नहीं। फिर है सेल्वेज फॉर्मेशन, ठीक है, तो सेल्वेज का उसमें फॉर्मेशन होता था, अब उसका क्या क्या पर्पस था, टू बाइंड एक्सट्रीम आउटर एंड्स विथ वेफ्ट टू प्रिवेंट फ्रेंग ऑफ द क्लॉथ, मीन्स जो एक्स्ट्रा उसमें एंड्स निकले रहते थे वो क्या करता था, वेफ्ट जो जाता था तो वो क्लॉथ को क्या करता था, फैला देता था, थ्रेड्स को फैला देता था, तो उसको क्या किया इसने, बाइंड करना शुरू किया, जो जो आउटर एंड्स में जो वेफ्ट रहते थे उसको ये क्या किया, रोकता था, ठीक है। फिर है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इन द रीजन वेयर द क्लॉथ इज हेल्ड इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस, ठीक। फिर है नेक्स्ट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू वार्प एट इन टू विदस्टैंड ग्रेटर एब्रेशन बाई रीड। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्नामेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन, तो ये सेल्वेज फॉर्मेशन के पर्पस होते थे, ठीक है। अब है टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है सेल्वेज के फॉर्म में, तो वो क्या क्या होती थी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्वेज। फर्स्ट है सेल्वेज शुड बी ऑफ सेम लेंथ एट दैट एज दैट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है सेल्वेज शुड बी ऑफ द सेम थिकनेस एज दैट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है सेल्वेज शुड नॉट टेंड टू रोल, ठीक। तो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है सेल्वेज की। फिर अब टाइप्स ऑफ सेल्वेज, जो सेल्वेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल, टग्ड इन, लीनो, लीनो में दो होते हैं, हाफ क्रॉस लीनो, फुल क्रॉस लीनो। फिर है चेन स्टिच इज एज्ड, फ्यूज्ड इज, एडहेसिव एज्ड, तो ये जो है वो टाइप्स ऑफ सेल्वेज होते हैं फैब्रिक्स में। थैंक यू, आज का टॉपिक ख़त्म होता है शटललेस लूम का, आई होप आपको समझ में आएगा।